ये लगेगा सिर में दरवाजा लग जाएगा सच में उस दिन की तरह हो जाएगा चीनू। भाई देखो अब चीनू ने हॉरर रूप बना लिया है अपना, देखो भूतनी बन गई है। भाई मेरे को लग रहा है डर तेरे खुले बालों से अपना मुंह ढक ले कि पता नहीं कैसे मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। भाई मैं इतने खुश हूँ मेरे को मतलब गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग स्वाति। स्वाति तो नींद में है। तो गाइस चलो अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मैं फिर से स्वाति के साथ जा रही हूँ, कोई सीक्रेट है बताऊंगी नहीं, अभी बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं जिस काम से हम निकले हैं उस काम के लिए, और जैसा होगा ना आपको बताते जाऊंगी मैं। तो स्वाति बोल रही है डेली मेरे साथ चला करो, मेरे को भी सही लगता है, मैं पूरा दिन घर में रहती हूँ तो जैसे तेरे साथ आई तो मुझे सही लगा। ठीक से चल हरियाणवी बोल थोड़ी थोड़ी। बोल दी रोटी खा ली थी? खा ली थी। ये क्या हरियाणवी हुई? हरवाणवी हुई तो इसमें और क्या हरवाणवी बोलूं। हरवाणवी हरवाणवी ये भी सही है। खा ली थी सेम ही होता है। आज सुबह उठ के क्या क्या काम करा? ब्रश खाना पूजा कूड़ा फेंक क्या ना कूड़ा गिर क्या ना सॉरी। कानू जी नवाए थे? हाँ कानू जी नवाए थे और खुद नहीं थे। भाई ये स्वाति की हरियाणवी है, किसी को सीखनी हो तो सीख सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, बहुत अच्छी बोलती है स्वाति। ठीक है अब टाइम निकाले क्लास के लिए, डेली 1 घंटे का सेशन ऑनलाइन। ठीक है गाइज, अभी हम नारियल पानी पियेंगे, सुबह से हमने पानी नहीं पिया है, खाना तो हम घर से खा के निकले थे। और ये स्वाति ऐसे ही घुमाती रहती है, खिलाती कुछ है नहीं, लाई तो हूँ पानी पिलाने, तो अभी हम ये नारियल पानी पियेंगे। तो भाई ये नारियल पानी वाला अभी भैया आया है, अभी हम अपने नारियल कटवाएंगे और पियेंगे और उसके बाद फिर हम घर के लिए निकलेंगे। हम ऐसे ही घूमने आते हैं 2 दिन ऐसे ही, मतलब 2-3 दिन से जो हम आ रहे हैं ऐसे ही कहीं कहीं घूमने आ रहे हैं, थोड़े दिन में आएंगे एक मूवी देखने और अमन को दे देते मैं अमन मूवी का नाम अभी नहीं बताऊंगी, आप लोग बताना कौन सी मूवी की हम प्लानिंग कर रहे हैं देखने। और नारियल पानी भाई आ गया, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, लग तो सही रहा है। तो गाइज रेड लाइट पे गाड़ी रुकते ही ये जो बच्चे छोटे छोटे पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं, पहले मैं दे देती थी पर अब मैं नहीं देती हूँ क्योंकि कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा कुछ खाने का दे दो इनको पर पैसे मत दो, पैसे देना ठीक नहीं है। खाने का दे दो आप जो भी आप आपके पास होता है, पर अभी मेरे पास कुछ खाने का भी नहीं है। अभी एक बच्ची आई, पहले उस वाले गेट पे आई, फिर मैंने इग्नोर कर दिया तो इस वाले गेट पे आई, लेकिन मैं ब्लॉग बना नहीं पाई, फिर वो भाग गई। और गोद में एक छोटी सी बच्ची ले रही है और खुद भी छोटी सी है। रीजन में बताओ पैसे क्यों नहीं लेने चाहिए? तो पैसे इसलिए नहीं देने चाहिए भाई, इनके रैकेट चलते हैं पूरे, क्या फायदा पैसे देने का, तो मत दो पैसे। मेरे को बस इतना ही पता है स्वाति, तेरे को जितना पता है तू बता दे। मतलब होता है ना कि ये बच्चे पता नहीं, अब ये भी नहीं पता कि अनाथ है या क्या है, लेकिन मोस्टली केसेस में रैकेट होते हैं, इनके मालिक बैठे रहते हैं, इनसे जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं, ये पूरे दिन पैसे इकट्ठे करके रात को जाकर उनको देते हैं। और ये वही बच्चे होते हैं, या तो इन ये उठाए हुए बच्चे होते हैं या जो अनाथ होते हैं, ये वो बच्चे होते हैं। देखो कितना इनसे काम करवाते हैं वो लोग, और इनको क्या चाहिए बदले में? खाने में 2 रोटी सुबह शाम बस, और कुछ भी नहीं। ना पढ़ पाते, ना लिख पाते, कुछ नहीं कर पाते वो अपनी लाइफ में कभी भी। तो इसीलिए भीख कभी मत दो, खाने का दो, और मेरी बात मान लेना, हम सब जो हम बोलते हैं ना वो सब हम करते हैं काम, ऐसा नहीं है कि बस बोल रही हूँ। पहले दे देती थी जब नहीं पता था, लेकिन अब तो मेरे को काफी दिन हो गए हैं। तो आप लोग भी ये सब करना, भीख मत दिया करो किसी को। मैंने देखा है बहुत लोगों को, खासकर आदमियों को, गाड़ी रोकेंगे और वो ऐसे गेट को बजाते हैं और फटाफट उनको दे के बच्चों को पैसे वैसे चले जाएंगे।
तो नहीं देने चाहिए। लेडीज फिर भी थोड़ा सोच लेती हैं, पर मैंने देखा है कि जो भाई लोग हैं ना ये सब देते हैं पैसे, तो भाई मत दिया करो। और खाना है क्या? खाना हो तो बता दिया, ऐसे ही घुमाती रहती है सुबह से शाम तक। कुछ पेट में भी डलना चाहिए। तो आप खा लो जो खाना है आपको। तू नहीं खाए, तू नहीं खाए, ऐसे थोड़े अच्छा लगता है। तू ना खाए, मैं खा लूं। तो भाई अभी फिर से रेड बत्ती हो रही है। तो गाइज अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, स्वाति कुछ खाने का लेने गई है, तो अभी कुछ खाएंगे हल्का फुल्का, फिर चलेंगे घर को क्योंकि भूख लगी। हम सुबह से निकले हैं, तो अभी हमने मूवी देखने का प्लान किया है। तो अभी मैं रजत से बात करूंगी कि कब आना है हमें वहाँ, तो गुड़गांव जाके सब इकट्ठे देखने जाएंगे मूवी। फिर स्वाति ने मुझे ये बोला कि हम यहाँ पे नहीं देखते, गुड़गांव चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, गुड़गांव चल लेंगे। तो कौन सी मूवी देखनी चाहिए बता दो आप लोग। ये लगेगा सिर में दरवाजा लगेगा, सच में उस दिन की तरह हो जाएगा चीनू। तूने मुझे नीचे गिराया, मेरा सिर लोग भी बन रहा है, देख ले मेरा सिर लगा धरती में। ये देख लो इनकी लड़ाइयां देख लो इनकी। चीनू तो बिल्कुल नहीं मानती, तेरे बाल भी गंदे हो रहे हैं। तू नीचे गिरा रही है मुझे, तू परेशान कर रही है मुझे। ऊपर आने दे भाई, तू कंबल खींच के आएगी। कुछ तो मिले कुत्तों में। और ऊपर से तुमने इतना हंसा दिया कि वैसे ही नहीं बोलना चाहिए। बात ही नहीं करूंगी, मेरे से बात मत करा, मेरे से करेंगे। क्या काम करवाते हो तेरे से? इधर आई हो, इधर आ, यहाँ आके बता, यहाँ बैठ के बता। तो गाइस भाई बहुत सारी खुशखबरी हैं, मैं सोच रही हूँ पहले कौन से सुनाऊं। एक के साथ सारे सुनाओ, एक के साथ। तो एक तो देखो विनय भी सुपर कार, एक तो नहीं, एक के साथ सारे सुनाओ। ऐसे कैसे? चुरपल है, चुरपल खुशी, चुरपल खुशी। चीनू ने बोल दिया चुरपल खुशी, यानी कि चार गुना खुशी है, मतलब ट्रिपल। कैसे भाई, कैसे साझा करें हम इसका? और मतलब बहुत इतनी खुशी है ना कि बोला भी नहीं जा रहा मेरे से। डबल खुशी, ट्रिपल खुशी, चुरपल खुशी। तो भाई भी ने भी सुपर कार ले रहा है, और अभी हमने भी ली थी, क्या है अब। तो गाइस जैसे आप लोगों को पता ही है, विनय ने भी कार बुक कर दी है, और विनय भी सुपर कार ले रहा है, टू सीटर। एक तो हमारे पास है ही, और अभी दूसरी आ जाएगी। टू सीटर तो मतलब अब दो गाड़ियों में चार बंदे आ सकते हैं। आ सकते हैं, अब हम आगे पीछे चलेंगे अपनी गाड़ी। टू सीटर कौन सी है? नाम मुझे नहीं पता, मुझे पता ही, लेकिन थोड़ा सस्पेंस तो होना चाहिए। अगर पता भी हो तो गाइस ऐसे थोड़ी बताना चाहिए। अभी हमें नहीं पता भैया, उसको तो खैर पता होगा, वो दोनों बुक करने गए थे, तो उन दोनों मुझे को पता, पता है। विनय ने मुझे बताया, पहले ही बता रखा है। तो मुझे नहीं बताया विनय ने, मैं फोन करके आपको एक बात बताऊं, बता तो मुझे भी, पर मुझे नहीं पता, मैं विनय से पूछ लूंगी। बताएगा नहीं बताएगा तो कोई नहीं, मेरे को कोई टेंशन नहीं, आनी तो घर में ही है, वो ज्यादा बढ़िया लगेगा कि पता ही नहीं था और ये वाली गाड़ी आई है। सरप्राइज है, सरप्राइज। और दूसरी खुशी भाई ये है कि पता नहीं कैसे मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं भाई, मैं इतने खुश हूँ। मेरे को मतलब मैं चीनू को दिखा रही हूँ आगे, चीनू ये देखिए क्या हो गया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी वजह ना आप लोग हो, अब 1,00,000 का केक कटेगा, अब 1,00,000 का केक कटेगा। और केक लाएगी अब की बार स्वाति, क्योंकि 25K पे लाई थी चीनू, 25 से सीधा 1,00,000 भाई, ये भी ट्रिपल खुशी है, कम नहीं है। मम्मा चुरपल हो गए, पुरपल बोलो। हाँ चुरपल, पुरपल। अब पुरपल क्या है? क्या है पुरपल? पांच गुना। और अगर 6 हो तो क्या बोलेंगे? चुरपल। चुरपल तो चुरपल है, खुशी हो रहा है। अभी जैसे चीनू शूट में बिजी रहती थी ना, तो वो बोलती थी मैं पढ़ नहीं पा रही, पर इसके एग्जाम चल रहे हैं, आके डेली बताती है मेरे बहुत अच्छे एग्जाम गए हैं, क्योंकि वो तो पूरी रात बताएगा भाई। देखो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होता है, तभी बोल रही है माँ रिजल्ट आएगा तो सामने ही, अभी बता रही है तो मानना तो चाहिए ना हमें। क्लास में टॉपिक्स भी क्लियर नहीं हुए शूट की वजह से, फिर भी कर रही हूँ ना, चुप रहे। मैं वही बता रही हूँ, इसका हर बार कॉन्फिडेंस यहाँ रहता है। जवाब तो भाई बोलने भी नहीं देते, तुम बोलो। चलो चीनू का कॉन्फिडेंस हमेशा यहाँ रहता है, और जब नंबर आते हैं तो ऐसे पैर की जूती बन जाता है। तू तो पहले जूती है तो, अरे चीनू तू तो फिर भी जूती के नीचे आती है। जस्ट शट अप।
देख लिया भाई इनके कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई बोलने में आता है कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई दूर हो ले। और फिर एक मिनट में ऐसे मेरे को पागल बना देंगे दोनों मिलके कि आप इसको नहीं बोलते आप उसको नहीं बोलते। अब देखो मैं किसी को पागल नहीं बनाती। अब तो इसको घुटनों में लिटा रही है वो खुद लेके मैं तो हटा रही हूँ इसको हटी नहीं रही। ये तुम्हारा प्यार है भाई मुझे मत घसीटो इसमें। ये बहुत बदतमीज है हट जा मुझे इससे बात ही नहीं करनी पहली बात तो चीनू। तो गाइस इनकी चटरपट ऐसे ही चलती रहेगी भाई मैं बहुत खुश हूँ। फटाफट से केक का इंतजाम और कर दो और टाइम से इरिटेट करके रखा। मैं एक बार बताऊँ मेरे को अपने घर में सबसे अच्छी दीदी लगती है। ये देख लो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती पर हट। मुझे तुम दोनों बढ़िया लगती हो। चीनू मत परेशान करना भाई। देखो अब चीनू ने हॉरर रूप बना लिया अपना। देखो भूतनी बन गई है भाई मेरे को लग रहा है डर तेरे खुले बालों से अपना मुंह ढक ले। सेकंड पार्ट तो तू ही ले आई सिब्बू की वीडियो का। क्या जरूरत है शूट करने की। टम्पू इज बैक। क्या जरूरत है शूट करने की। सही है 11 बज रहे हैं बाहर लोग सो रहे हैं तेरी आवाज जा रही है सारे आराम से बोल। बदतमीजी की हद होती है जागते रहो। तो गाइस चलो इस व्लॉग नहीं एंड नहीं करेंगे अभी तो केक लाना है आप लोगों को। केक ले आना फटाफट से केक काटेंगे ठीक है। कहीं भी लाए आप अपने घर पे ला के काट देना भाई ठीक है ऐसे कर लेना ठीक है। जो ज्यादा लाइक करते हैं ज्यादा सपोर्ट करते हैं वो केक काट लेना। सभी करते हैं ठीक है सब करते हो ना तो 1,00,000 केक कटने चाहिए भाई ठीक है। ठीक है स्वाती ठीक है। तो गाइस चलो इस व्लॉग को करते हैं 1,00,000 केक कटेंगे मैं काट ठीक है। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट बाय टेक केयर। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ।